पहले ही अपनी खूब छुट्टियां हो गई, ले बैठो बैठो। हाँ बेटा शुरू करें। हाँ जी, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना टॉपिक चल रहा था एक लोक देवता, जिसमें हमारे एक लेक्चर बाकी था, एक लेक्चर पूरा नहीं हुआ था। आप लोग भी लगातार कमेंट कर रहे थे, सर वो लोक देवता वाला एक पार्ट तो बचा हुआ है, जिसमें मैंने देव नारायण जी हेडिंग डाल के छोड़ रखा था। आज मैं उस वाले बचे हुए पोर्शन को पूरा करा देता हूँ, ताकि तुम्हारे लोक देवता टॉपिक पूरा हो जाएगा, है ना बेटा। तो आज तुम्हारी एक पॉलिटी क्लास भी नहीं है, पॉलिटी वाली क्लास है नहीं, तो फिर आज ऑफ नहीं होना चाहिए था ना। क्लास कंटिन्यू 10 बजे से कंटिन्यू चल रही, तो क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए थी। तो अभी तो तुम्हारी ये अपने लोक देवता वाली क्लास होगी, फिर तुम्हारे ज्योग्राफी वाली, फिर रीजनिंग वाली, फिर तुम्हारे ज्योग्राफी वाली, या फिर तुम्हारे साइंस की शुरू करवा दे क्लास वापिस। एक घंटा साइंस वाली रुकी, भाई साइंस वाली स्टार्ट करा देते ना। साइंस वाले उस सर से पूछ रहा हूँ, हिंदी में तो बस अब तुम्हारे वो शब्द वाला एक टॉपिक बच रहा है, जो सर वो विलोम शब्द वाक्यन वो शब्द वो जो है ना, वो टॉपिक तो उनसे करवाएंगे। लिंग वचन नहीं करवाया क्या? फिर मैं बोल दूंगा एक बार सर को, लिंग वचन करवा देंगे। फिर भी तुम्हारे हिंदी में ना बेटा अब ज्यादा हिंदी में बचा नहीं है। एक बार तो तुम्हारे हिंदी में देखा जाए तो तुम्हारे 80% कोर्स हो गया हिंदी में, बड़े बड़े सारे टॉपिक हो गए हैं। लिंग वचन में उनमें तो मुश्किल से 1 घंटे की क्लास में लिंक हो जाएंगे, 1 घंटे में। उनमें भी प्रैक्टिस जितनी करो, जितने शब्दों की प्रैक्टिस करो उतने। उसको बुलाना उस लड़के को वापस, ये इसको सही करके नहीं गया, बाहर निकल गया, उसको बुलाना। हाँ हिंदी का इतना ही बच्चा बेटा, लोक देवता। लोक देवता टॉपिक ये इधर, ये व्हाइट 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 पूरा बोर्ड में चमक रहा है। लोक देवता, लो देखो बेटा, लोक देवता मैंने आपको लास्ट हेडिंग क्या डलवाई थी, देव नारायण जी। पांचों पीर अपने हो चुके थे, पांचों पीरों के बाद अपन ने जो है बेटा 5 पीर पढ़ लिए थे, और पांचों पीरों को पढ़ने के बाद अपने एक तेजा जी को और पढ़ लिया था। आज अपन छोटे से लोक देवता की शुरुआत करते हैं, जिनका नाम है अपने देव नारायण जी। ये अपने रह रहे थे, बाकी सारे के सारे हो चुके थे। देव नारायण जी सबसे पहली बात है तो वही जो मैं आपको हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, जन्म। एक तो इनके बारे में क्या बात याद रखनी, जन्म। फिर इनका जन्म कब हुआ था, फिर बाद में बेटा किस परिवार में यानी किस वंश में जन्म होता है, फिर इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, किसके ऊपर ये सवारी करते थे यानी किस पे बैठ के अपने देव नारायण जी घुमा करते थे, और क्या बात ध्यान रखनी इनके बारे में, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, फिर बेटा इनके बचपन का नाम क्या था, फिर इनका बचपन कहां बीता। तो देखो बेटा देव नारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं, देव नारायण जी का जन्म कब, वंश, इनको किनका अवतार माना जाता है। देव नारायण जी को अपन अवतार मानते हैं, तो इनको अवतार किनका मानते हैं, फिर इनके मंदिर को क्या कहते हैं, फिर इनका जो पुजारी होते हैं इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, और इनकी जो मूर्तियां होती है वो मूर्तियां किसकी बनी हुई होती, मूर्ति। ये सारी बातें अपने देवनारायण जी में एक बार याद रखना, सारे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे से समझना इनको, बिल्कुल जितेंद्र कसवान, केदारमल जाट, बिल्कुल बेटा गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, समझना बेटा देवनारायण जी के बारे में। भगवान देवनारायण जी का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था बेटा एक जगह है मालासेरी, और ये मालासेरी डूंगरी, और ये मालासेरी डूंगरी कहाँ पर है, तो चित्तौड़ अपने भीलवाड़ा में, मालासेरी डूंगरी, और ये मालासेरी डूंगरी कहां पर बेटा, भीलवाड़ा में, यहां देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। जन्म हुआ कब इनका, तो इनका जन्म हुआ था बेटा माघ शुक्ल सप्तमी यानी मई साता के दिन। जन्म कब होता है बेटा, माघ शुक्ल सप्तमी यानी मई साता के दिन इनका जन्म हुआ था। अच्छा जन्म किस वंश में हुआ था, तो बगड़ावत, बगड़ावत कौन होते हैं अपने, गुर्जर, तो बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म तो क्या इन्होंने अवतार लिया था, लेकिन कौन से परिवार में अवतार लिया था, बगड़ावत गुर्जर परिवार में इन्होंने अवतार लिया था। माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था बेटा साडू माता। अगर अपने से पूछ ले इनकी माता का नाम क्या है, तो अपने याद रखना साडू माता, जिन्होंने इनका पालन पोषण करने का काम किया था देवनारायण जी का, साडू माता। इनके पिता का नाम क्या है बेटा, तो पिता का नाम है सवाई भोज। पिताजी का नाम क्या अपने, सवाई भोज। और किसके ऊपर सवारी करते थे, इनके पास भी एक घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम था लीलागर।
इनके घोड़े का नाम क्या था बेटा? लीलागर। कौन सा घर? लीलागर। ये इनके घोड़े का नाम है। फिर देखो बेटा इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो पीपल दे। याद रखना पेमल दे किनकी थी? तो अपने तेजाजी महाराज, तेजाजी की वाइफ का नाम पेमल दे, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है उदल, या अपने मिल सकता है आपको उदय सिंह। अब ये उदय सिंह क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इनका बचपन कहां बीता? तो इनका बचपन बीता था बेटा देवास। और देवास नामक स्थान कहां पर है? तो एमपी, यहां इनका बचपन बीता। किनका अवतार माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु के अवतार। इनको किनका अवतार मानते हैं? अपने भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। फिर बेटा इनके मंदिर जो होते हैं ना देवनारायण जी के, इनके मंदिरों को क्या कहते हैं? तो इनके मंदिरों को कहते हैं देवरा। इनके मंदिर को क्या कहते हैं अपने? देवरा। कहां जा रहे हैं? देवनारायण जी के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं तो देवरे जा रही हूं। और इनके पुजारी होते हैं, इनके पुजारियों को क्या कहते हैं? तो भोपा। इनके जो पुजारी होते हैं, इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? भोपा। जो भी इनकी पूजा पाठ करते हैं उन्हें भोपा जी कहकर के बुलाते हैं। और इनकी जो मूर्तियां होती है वो कच्ची मिट्टी से निर्मित, जो भी इनकी मूर्ति होगी बेटा वो मूर्ति किससे बनी हुई होगी? अपने कच्ची मिट्टी। यानी कि देवनारायण जी के बारे में वापिस सारी बातें समझना एक बार। इनका जन्म होता है मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। मैंने आपको इनकी स्टोरी तो आपको पहले ही समझा दी थी उस कहानी में, उस पिछले वाली क्लास में, लेकिन दो चार दिन का गैप आ गया, पांच सात दिन का, तो तुम्हें याद नहीं होगा। मैं वापिस बता देता हूँ मोटी मोटी बातें। सवाई भोज और साडू माता। सवाई भोज अजमेर का एक दुर्जन सिंह नाम का उनका कोई शत्रु था, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी। अब साडू माता अपने गोटा नगरी आसिंद की रक्षा करने का काम करे। अब गोटा नगरी की रक्षा करे तो उनके ऊपर बार बार अटैक हुए, और घर में कोई पुरुष होता नहीं है, वहां पर बार बार हमले होते भी हैं। जिस घर में पुरुष नहीं हो, महिलाएं हो, सबकी निगाहें रहती है, सब अपनी धाक जमाने के लिए लगे रहते हैं कि ओ इनके घर में कोई पुरुष तो है ही नहीं, हर कोई आए हर कोई जाए। तो इस प्रकार आक्रमणकारी भी ऐसे ही करने लगे थे। साधु माता एक दिन अपने पास में ही मालासेरी डूंगरी, उस डूंगरी के पास चले गए थे। वहां जाकर के अपने पति को जोर जोर से गालियां सुनाए। सीधी सी बात है, अगर अपने घर में भी ऐसा कोई हो, अपने बड़ा बुजुर्ग हो, मान लीजिए तुम्हारे दादाजी हो, और वो कोई बहुत बड़ा कर्जा करके चले जाए तुम्हारे ऊपर, अब बताओ तुम दादाजी को खुशखबरी दोगे? हाँ हाँ दादाजी मजा आ गया, मजा आ गया, तुम इतने पैसे माते करके गए, या वहां बैठे बैठे गाड़ा निकालो, डोकरो गयो जो तो गयो, मन और दुखी करके गयो, मन में तो गाड़ी आएगी। इनके भी मन में ऐसे ही हूँ, पति के लिए ऐसे विचार आ रहे थे। फिर बाद में जो है अचानक एक बिजली गड़कती है, बिजली एक चट्टान के ऊपर गिरती है, उस चट्टान का नाम था मालासेरी। वहां पर वो चट्टान अपने आप फटती है, उस चट्टान के अंदर से एक छोटा सा कमल का फूल निकलता है, और उस कमल के फूल में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रोते हुए। साडू माता ने उस बच्चे को देखा, जैसे अपने गोद में लिया, अपने आप स्तन से दूध आने लग गया, नव प्रसूता महिला बन जाती है। महिला ही जो होती है, एक तो सामान्य महिला होती है, एक प्रसूता महिला होती है, जो एक शिशु को जन्म देने के बाद स्तनपान कराने के लिए जो उस प्रकार की प्रक्रिया होती है, बाकी ना सामान्य महिला होती है तो वो स्तनपान नहीं करा सकती है। साडू माता इस प्रकार नव प्रसूता के रूप में देखने को मिलती है। फिर बाद में ये अपने भाई को इस प्रकार का समाचार भेजती है देवास एमपी के, ब्रदर के, हाँ कि आपको एक गुड न्यूज देनी थी, कि बता क्या बात है? तुम मामा बन गए। ये बात सुनते ही मामा भाई तो आधा तो आईसीयू में भर्ती, उन्होंने कहा कि अब इतना लेट कैसे? उनका लेट मतलब क्या है कि यार जीजाजी को 10 साल हो गए, कहाँ से, क्या परंपरा क्या है? उन्होंने कहा कि इस प्रकार एक चट्टान फटी, मुझे इस प्रकार संतान की प्राप्ति हुई है। फिर उनका मामा उनको लेने के लिए वहां पहुंचता है। यह बात जो है उनके शत्रु दुर्जन सिंह को भी पता चल जाती है कि इस प्रकार साडू माता को संतान मिली है। उन्होंने कहा देवास एमपी के रास्ते में अपनी सारी सेनाएं खड़ी कर दी जाए, और सारे सैनिक वहां पर खड़े रह करके जो भी छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं उन सबका अकाउंट डिलीट करें। देवास एमपी वाले रास्ते पर उनकी सेनाएं खड़ी हो गई। इधर से साडू माता उनके जो उनका भाई जो है दोनों देवनारायण जी को लेकर के देवास एमपी वाले रास्ते पर, मालवा वाले रास्ते पर चल पड़े। अब जैसे रास्ते पर जा रहे थे तो अचानक सामने सेना दिखी। सेना देखते ही मामा जी के कानों से धुएं बाहर आ गए। मामा जी इनका अब उनका चलते जाओ कुछ नहीं है, वो ग्वाड़ों का रूप बदल करके जा रहे थे। और जैसे ही उन सैनिकों के पास गए, सैनिकों ने कहा कि ये झोली में क्या है? उन्होंने ऐसे ही मजाक में उनके मामा जी ने कुछ नहीं जी कुछ नहीं, इसमें तो गाय का बछड़ा है। उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो एमपी, गाय कहाँ है? कि गाय तो आगे गई। ठीक है झोली खोल के दिखाओ। मामा जी अरे कुछ नहीं गाय का बछड़ा है, क्या खोल के दिखाएं? कि नहीं झोली खोल के दिखाओ। सैनिकों ने जबरन उनकी झोली खोल के देखी। जैसे ही झोली को खोला अंदर देवनारायण जी गाय का बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ही गाय के बछड़े का रूप धारण करते हैं और मामा जी के कानों से वहीं धुएं बाहर। मामा जी इनका उदल को लाए, गाय के बछड़े को ही लाए, थोड़ा आगे चल, थोड़ा और आगे गए। और आगे जाते ही उन्होंने फिर झोली खोल के देखी, अंदर भगवान देवनारायण जी हंस रहे थे। उन्होंने कहा बहन जिसका जन्म एक चट्टान से हुआ हो, जो किसी महिला या किसी की कोख से न जन्मे हो, जिनका उत्पत्ति कमल के फूल से हुई हो, उनकी रक्षा की चिंता हम कर रहे हैं, हमारे रक्षक ये स्वयं है।
सभी लोक देवताओं का आगे लोक देवता लगता है, कभी रामदेव जी का आगे ऐसे नहीं लगता कि भगवान रामदेव जी, ऐसा कभी नहीं लगता कि भगवान बाबू जी, कभी नहीं लगता कि भगवान तेजा जी, उन सब के आगे लोक देवता लगता है, क्योंकि उन्होंने एक सामान्य इंसान के घर में जन्म लिया, एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने अपने अच्छे कार्यों के लिए फेमस हुए। लेकिन देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके आगे भगवान लगता है। इन्हें तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया इन्हें लोक देवता में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो अवतार है स्वयं भगवान विष्णु का, इन्हें भगवान देवनारायण जी के नाम से पूजते हैं, इन्हें देवता लोक देवता तो क्यों मानते हैं वो राम ही जाने, पर अब धीरे धीरे पढ़ने लग गए लोक देवताओं के साथ, तो बाकी ये वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, क्योंकि सामान्य इंसान की कोख से जन्म नहीं हुआ, स्वयं चट्टान से उत्पन्न हुए, वो भी कमल के फूल से उत्पन्न हुए, और इस प्रकार सारे के सारे चमत्कार इन्होंने दिखाए थे, तो इनको इस प्रकार भगवान विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। तो देखो बेटा ये सारी बातें अपने बेसिक एक बार तो इनको कॉपी करो तुम जल्दी से स्पीड के साथ। क्या कह रहा है बेटा कविता? सर मूर्तियां नहीं, मकान मिट्टी के बने हैं, कोई भी मकान सीमेंट का नहीं बना है। समझा नहीं मैं? हम तो खुद भी देवनारायण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे परिवार में हमारे गांव में सब उन्हीं को मानता है, उनके मंदिर में बकायदा मूर्तियां होती हैं। ये इधर वाले जो कल्चर पढ़ाते मूर्तियों की जगह कहने लगे ईंटों की पूजा होती है, जो गप मारते हैं धाप के गप है एक नंबर की, कोई ईंटे वीटे नहीं पूजते हैं, बकायदा मूर्तियां लगी होती है, मूर्तियां मिट्टी की होती है, कच्ची मिट्टी से बनी हुई होती है, ईंटें कहाँ से लगी होगी? उन तो फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली में 2000 ईंटें भर के जा रही, तुम गणा हुए 2000 देवनारायण जा रही है, 2000 देवनारायण, वे ईंटें हैं। मंदिर में मूर्तियों की पूजा होती है, उतार लिया बेटा। अब हेडिंग डालो इनके प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर क्या? महिषासुर, नहीं, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन तो इनका देवलोक गमन होता है, तो भादवी छठ के दिन इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक, महिषासुर के दिन इनका जन्म होता है, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। प्रमुख मंदिर, प्रमुख केंद्र, तो इनके चार प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें एक तो है देव गोड दत्तावन, एक तो है बेटा देव गोड दत्तावन, एक इनका केंद्र है जिसका नाम है देव धाम, एक इनका केंद्र है बेटा जिसका नाम है देव माली, और एक इनका केंद्र है जिसका नाम बेटा देव डूंगरी। भगवान देवनारायण जी के नाम के आगे श्री देव लगता है, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं देव जी, इनमें शॉर्ट नाम में इनको क्या कहते हैं? देवनारायण जी को देव जी, बाकी बचपन का नाम था उदल, तो अब इनको देव जी कहते हैं ना बेटा, तो इनके जितने भी केंद्र है उनके नाम के आगे भी देव लगा हुआ होता है, जैसे देखो देव गोड दत्तावन, जैसे देखो देव धाम, जैसे देव माली, जैसे देव डूंगरी, इनके नाम के आगे सबके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? देव। ये जो देव गोड दत्तावन है ये प्रमुख इनका केंद्र है, और ये केंद्र अपने कहां पर है? तो ये केंद्र है इनका आसिंध, और आसिंध कहां पर है बेटा? भीलवाड़ा। ये तो इनका सबसे प्रमुख केंद्र है, देव गोड दत्तावन इनका प्रमुख केंद्र है, यही तो इनका जन्म स्थल है, ये इनकी कर्म भूमि है, सारे काम इन्होंने यही किया था। ये जो देव धाम है, ये देव धाम कहां पर है बेटा? तो ये है जोधपुरिया, और जोधपुरी अपने कहां पर है? जोधपुर में, टोंक में, ध्यान रखना जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, जोधपुरी अपने कहां पे है? टोंक में। जैसे जोधपुरा सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता अपने कहां पे है? जयपुर में। जैसे उदयपुर वाटी, तो उदयपुर वाटी कहां पर? अपने झुंझुनू में, उन्हीं उदयपुर वाटी उदयपुर में, तो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में, तो जोधपुरी अपने जोधपुर में, ऐसा नहीं है। देवमाली, और ये देवमाली कहां पर है बेटा? तो ये है अपने ब्यावर, ब्यावर नामक स्थान अपने कहां पर है? अजमेर।
ब्यावर नामक स्थान कहां पर है बेटा? अजमेर में। देवडूंगरी, ये देवडूंगरी नामक स्थान कहां पर है? तो ये है बेटा चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी ये अपने कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने कराया? तो राणा सांगा ने। निर्माण राणा सांगा ने करवाया। ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था बेटा? राणा सांगा ने करवाया, क्योंकि राणा सांगा देव नारायण भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया। ये इनका प्रमुख केंद्र है, देव नारायण जी का ये प्रमुख केंद्र है। इनको राजस्थान का चार धाम कहते हैं। ये जो इनके चारों प्रमुख केंद्र हैं, इन्हें राजस्थान का चार धाम कहते हैं। अगर आपसे ऐसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि वह कौन से लोक देवता जिनके प्रमुख मंदिर राजस्थान के चार धाम कहलाते हैं, तो अपने चारों प्रमुख मंदिर कौन से? देव नारायण जी वाले। तो देव घोड़ दत्तावण आसिन बिलवाड़ा जो इनका प्रमुख केंद्र है, देव धाम जोधपुरिया टोंक जो ये जो है इनका दूसरा प्रमुख केंद्र है, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और देवडूंगरी वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राणा सांगा ने। अच्छा बेटा, अच्छा हो गया। हाँ अब तुम्हारे कल्चर के बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। लोकनाट्य छोटा सा टॉपिक है, 2 घंटे का। आभूषण 1 घंटे का, या फिर खींचेंगे तो 2 क्लास में हो जाएगा, 2 घंटे का आभूषण। फिर एक टॉपिक बचता है तुम्हारे वेशभूषा, 2 घंटे का। रीति रिवाज 2 घंटे का। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, बड़े बड़े सारे टॉपिक पूरे हो गए हैं, जैसे मेले त्यौहार, लोक देवता, संत संप्रदाय, लोकगीत, लोक नृत्य, बड़े बड़े सारे टॉपिक। दुर्ग सबसे बड़ा टॉपिक, तो सबसे बड़ा वो भी पूरा होने जा रहा है। अब छोटे छोटे से टॉपिक बचा है। अब कल्चर में तुम्हारे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर हिस्ट्री बचती है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी। मेवाड़ चालू हो ही गया, सुबह मेवाड़ हो गया। मेवाड़ होते ही फिर राजवंशों में भी कुछ नहीं है, एक मेवाड़ कछवा और बचता है तुम्हारा बड़ा। गुजर प्रतिहार वंश छोटा सा, जाट वंश छोटा सा, भाटी वंश छोटा सा, यूं क्या छोटा सा ही है। भरतपुर के जाट वंश पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, 2 घंटे में पूरा करा दूंगा। हल्के में लिया है क्या? उतार लिया। अब लिखो बेटा, तू बहुत पर बार पीछे कैसे रह गया रे? वो काम वो अभी जयत यही तो था, कहाँ भाग गया रहो? कौन कौन? सत्येंद्र, वो दोनों, उन्हें पता थोड़ी मेरी क्लास है, तभी वो दोनों गुटखा खाने गए होंगे, है ना? चाय वाय गुटखे उठके खाने आए, बड़े हरामी स्टूडेंट है। चलो देखो, देखिए बेटा आगे देखो, अपने देव नारायण जी जो ना, मतलब बचपन से जो छोटे थे तब तो इन्होंने गायों के बछड़ों के लिए काम किया था, फिर जैसे जैसे बड़े हुए उसके बाद इन्होंने अलग अलग रोगों के निदान के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए तुम्हारे जैसे दुखी आत्मा गए थे और दुखी आत्माओं ने जाकर के कहा कि यार हमारा पेट बहुत दुखता है, हमारा जी बहुत खराब होता है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम गोमूत्र पियो ठीक हो जाओगे। यानी कि गाय के मूत्र का, यानी गो हंसते क्या हो, गौमूत्र, आज कम से कम हमारे 500 से ज्यादा दवाएं जिसमें गाय के मूत्र का, गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब उससे भी ठीक नहीं होवे तो तुम एक काम करना, नीम की पत्तियां खाना, नीम की पत्तियों से ठीक हो जाओगे। तो नीम की पत्तियों वे गौमूत्र से लोगों को सर्वप्रथम अवगत कराने का काम अगर किसी लोक देवता ने किया था तो वो देव नारायण जी ने किया था।
जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे बहुत सारी असाध्य बीमारियों का इलाज होने लगा। तो कहा कि यार ये तो चिकित्सक है अपने आप में, तो इनका नाम ही पड़ गया चिकित्सक लोक देवता। इन्होंने गोमूत्र व नीम की पत्तियों का जो महत्व है वो लोगों को समझाया था, तो लोगों ने कहा यार ये तो औषधि का काम कर रही है, इनका नाम ही पड़ गया औषधीय लोक देवता। जो और आगे बढ़े तो फिर बाद में इन्होंने जो और नई नई चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराते गए थे, फिर लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो इन्होंने लोगों को कहा कि यार क्रांति व्रांति करो, आंदोलन करो, तब जाके तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो इन्होंने आंदोलन के भाव जागृत कर दिए। मान लीजिए तुम आते हो और यहाँ आने के बाद तुम्हारी क्लास ही नहीं लगे, फिर तुम्हें छुट्टी कर दी जाए, आज क्लास नहीं है, जाओ, तुम एक दिन सेंड कर लोगे। दूसरे दिन आओगे, फिर कह देंगे यार आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, चले जाओ, तुम सेंड कर लोगे। तीसरे दिन आएंगे, फिर यही हो गया। सात दिन तक तो मुझे पता है तुम लोग अभी तो सेंड कर सकते हो, क्योंकि इतने दिन से प्रॉपर चल रही है। आठवें दिन तुम कहोगे सर लगनी है कि नहीं लगनी है, या तो हमें बुलाओ मत, या लगानी है तो सीधी सीधी लगा दो। और मान लीजिए मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा फीस ले रखी होती, अभी तो तुमसे इतनी फीस ले रखी कि तुम ज़्यादा हाका ओक भी नहीं करो। अगर मान लीजिए तुमसे बहुत ज़्यादा यूँ कोई 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार फीस ले ली होती, तो तुम क्या करते, तुम यहाँ आंदोलन कर देते बाहर, हमारी फीस हमारी फीस वापिस दो। अभी तो तुम क्या नारे भी लगाओगे तो वो वाले नहीं, अभी तो नारे वही लगेंगे, सिलेक्शन बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद, बाकी तुम नारे क्या लगाते, वो वाले मुर्दाबाद। तो इन्होंने क्या किए थे बेटा, लोगों को भाव जागृत किए कि क्रांति भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले लोगों में क्रांति के भाव जागृत करने का श्रेय कौन से लोक देवता को जाता है, देवनारायण जी को। तो इनके उपनाम लिख लो तुम एक बार साथ के साथ, उपनाम लिखो बेटा। सबसे पहला उपनाम क्रांति के जनक, क्रांति के जनक, औषधीय लोक देवता, औषधीय लोक देवता, चिकित्सक लोक देवता, पर्यावरण प्रेमी लोक देवता। पर्यावरण प्रेमी संत की बात करें तो वो जांबोजी महाराज को कहते हैं, और पर्यावरण प्रेमी लोक देवता की बात करें तो वो अपने देवनारायण जी को, पर्यावरण प्रेमी लोक देवता, क्रांति के जनक, औषधि लोक देवता, चिकित्सक लोक देवता और पर्यावरण प्रेमी लोक देवता। बचपन का नाम मैंने बता ही दिया, फिर लिखो बेटा इनके मंदिर में नीम की पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है नीम की पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है, अच्छा आज है ना, एक चीज़ और ध्यान रखना, शाम को 9 बजे के आसपास, ऑनलाइन वाला भी तुम भी कर सकते हो रे, कर लेना, मतलब ठीक लगे तो, आप लोगों की वैसे चॉइस है कि अपना करंट अफेयर्स में जिन्होंने अपना खूब बड़ा योगदान दिया विद्यार्थियों के लिए, कुमार गौरव सर, उनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर अभी मतलब 9 बजे के आसपास ऐसे है कि कोई निर्मल सर ने कोई प्रोग्राम रखा है, तो उसमें जितने विद्यार्थी पिक आएंगे उनके अकॉर्डिंग, जितना टॉप जो भी आएगा लाइव, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें प्राइज भी देंगे। इसके अलावा उनका कोई जन्मदिन है तो कुमार गौरव सर का, तो उनको मतलब रिकॉर्ड भी बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो पिछली बार भी शायद उन्हीं का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एक साथ लाइव वॉचिंग का। तो कम से कम तुम लोग भी सब जो है 9 बजे के आसपास, वैसे उत्कर्ष चैनल से जुड़े हुए तो होंगे, पढ़ते तो होंगे, तो उनका क्या है कि वो 6 महीने के करंट अफेयर्स एक साथ करवाएंगे आज, तो 7 बजे से लेकर के अभी रात को 12-1 बजे तक, लगभग इतनी तो चलेगी, वो पिछली बार भी इतनी लंबी ली थी, तो 8 बजे से है तो उसको जरूर ज्वाइन करना एक बार के लिए, ना एक बार के लिए क्लास को लाइव ज्वाइन करना। 9 बजे से भले तुम आधे घंटे ही ज्वाइन करके देखना, लेकिन कम से कम उसमें पिक में अपना योगदान जरूर देना। अगर पढ़ना चाहो तो फिर तुम कंटिन्यू भी कर लेना, लेकिन योगदान जरूर देना, इतना अपना योगदान होना चाहिए। एक विद्यार्थी है वो आपके लिए इतने सब कुछ करते हैं, तो आप भी उनके लिए इतना जरूर करना, और अपनी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे देना, क्योंकि अपन वैसी चीज़ें तो मूवीज एंड बाकी चीज़ें भी अपन खूब ही देख लेते हैं, तो इतना एक अध्यापक के लिए आप लोगों को करना है, कर ही लोगे ना इतना, तो
पक्का करोगे ना 9 बजे, फिक्स 9 बजे तुम्हें लाइव जुड़ना है, सबको ही जुड़ना है, और अपने दोस्तों के भी जितने मोबाइल है वो भी खोल के बैठना है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सके। मुझे तो उसमें कुछ नहीं मिलना है ना, लेकिन एक गुरु है जो इतना सादा यूँ विद्यार्थियों के लिए समर्पण भाव कि कभी क्लास मिस नहीं करना, 6 बजे आना मतलब आना, और डेली 6 बजे से लेकर के लाइव लेना मतलब लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। 6 बजे अपन उठ भी नहीं पाते कंटिन्यू, कभी कभार तो मिस कर देते कि ले आज तो संडे है ना, आज तो सो ही लेते हैं, लेकिन संडे वनडे शादी के दिन भी नहीं रुके थे यार, हद तो तब हो गई थी, शादी के दिन भी बस खड़ी कर दी वहाँ पर, उस दिन भी क्लास ले रहे थे। और तुम्हारे वहाँ विद्यार्थियों के लिए वो घूमने और नहीं गए, वरना उनके पास इतने अब तो इतने पॉपुलर हो गए, सिंगापुर दुबई मलेशिया कहीं भी अपनी वाइफ को लेकर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन वो घूमने भी नहीं गए कि नहीं यार अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इतना आज के लिए तुम्हें योगदान देना है ना, समझ रहे हो ना, ऑनलाइन वालों तुम भी समझ लेना है ना। तो देखो बेटा, इनके मंदिर में नीम की पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है। अपने कौन से लोक देवता के मंदिर में नीम की पत्तियों का श्रृंगार होता है? अपने देव नारायण जी के मंदिर में नीम की पत्तियों का श्रृंगार किया जाता है। लिख लिया सारी बातें? तो आगे लिखो, सर जी बादशाह का मेला। बेटा बादशाह का मेला अपने ब्यावर में बढ़ता है, बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है ना, बादशाह का मेला ब्यावर में और बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। आगे लिखो, आगे लिखो बेटा, प्रमुख मंदिर हो गए, इनका परिचय हो गया। अब देखो इनके जो ना पत्नी के बारे में बताई दिया, अब इनकी एक फड़ है, जो फड़ के बारे में थोड़ा याद रखना, या एक काम करो प्रसाद के लिए लिख लो, प्रसाद इनके यहाँ पे प्रसाद के रूप में क्या बांटी जाती है? तो राब, या अपन क्या कह सकते हैं राबड़ी, और क्या बांटी जाती है बेटा? छाछ, और क्या होता है अपने? दही। तो यहाँ प्रसाद के रूप में राबड़ी छाछ दही बांटी जाती है, याद रख लेना अपना प्रसाद के रूप में क्या क्या बांटी जाती है, तो ये बात है ना, राब राबड़ी छाछ व दही। फिर देखो बेटा, अब इनकी फड़, फड़ से पहले एक और बात, 7 सितंबर 2011 को इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, यानी कि अपने देव नारायण जी पर और तेजा जी दोनों पर एक साथ 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और कितनी तारीख के दिन जारी किया गया था बेटा? 7 सितंबर 2011 को। उस समय अपने सचिन जी पायलट केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने यहां पर डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया, यह भी अपने याद रखना है कि देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया था, और डाक टिकट कब जारी किया गया? 7 सितंबर 2011 को। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपए का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था। और क्या बात याद रखनी बेटा? मेला, तो इनका जो मेला लगता है, इनका मेला कब शुरू होता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक, भादवी छठ से शुरू होता है, और कब तक चलता है? अष्टमी तक, यानी 3 दिन का यहां मेला लगता है। तो भादवी छठ से भादवी अष्टमी तक मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है तो याद रखना बेटा, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तक इनका मेला लगता है। देव नारायण जी की फड़, फड़ क्या होती है? मैंने आपको कहा था कि रेजा नामक कपड़ा होता है, जिसके ऊपर यानी कि महापुरुष या कोई देवी देवता जिन्होंने अपना समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके जीवन का उसके ऊपर चित्रण किया जाता है, जिन्हें देख करके बाद में पढ़कर पढ़ा जाता है, जिसे बोलते हैं फड़। जैसे मान लीजिए तुम अगर नौकरी लग जाते हो, थानेदार बन जाते हो, RS अधिकारी बन जाते हो, फिर समाज में अपना एक बड़ा योगदान दोगे, योगदान के बाद तुम्हारे ऊपर भी क्या बनाई जा सकती है? फड़। फिर लोग तुम्हें देवता की तरह पूजेंगे, क्योंकि तुम्हारा समाज में बहुत बड़ा अमूल्य योगदान होगा, फिर तुम्हारी फड़ को देख देख के वाचन किया जाएगा। क्या वह नहीं करेंगे क्या मुकेश? नहीं कर सकते तुम्हारी फड़, नहीं बना सकते तुम्हारे ऊपर फड़? बना सकते हैं। अमिताभ बच्चन पे फड़ बन सकती है, तो हम अमिताभ बच्चन से कम हैं क्या? उससे हल्के में लिया है क्या हमें? हाँ, अमिताभ बच्चन पे फड़ बनी हुई, अंग्रेजी में उनकी फड़ का वाचन किया गया, और आसपास में भी नहीं, न्यूयॉर्क अमेरिका में जाके उनकी फड़ का वाचन किया, और वाचन करने वालों का नाम ऐसा है कि यूं लगता है कि यार अमेरिका में तो ये क्या गए होंगे,
एक का नाम रामलाल और लड़की का नाम पताशी देवी, दोनों अमेरिका में जाके उनके वर्ड का वाचन करके आए थे। तो रामलाल पताशी देवी दोनों का संबंध जोधपुर से, दोनों को बोपा बोपिन कहते हैं और दोनों पति पत्नी हैं। वो पताशी बहुत खाती है जोधपुर में, इसीलिए तो उसके पति ने नाम ही पताशी देवी रख दिया। हाँ, जो खाने वाली आती ना, जिसमें वो मेल का वो आदमी बनाता है तब यूं करता जाता है बनाता है, उसी को तो कहते हैं अपने पताशी। देखो तुम लड़कों लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, लड़की लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब भी मैं पताशी की बुराई करता हूँ ये टेंशन में आ जाती है, ये मुंह बिगाड़ती हूँ। अच्छा हो गया, कभी भी देखना तुम्हें क्या पता। अभी जैसे गर्मी बहुत चल रही होती है, बहुत सारे तो पताशी वाले अच्छे होते हैं, वो तो ढंग से साफ सूफ करके अच्छे से, बहुत सारे क्या करते हैं यूं पता पता नहीं, तब तो उसका खारा खारा टेस्ट आता है। कौन सा वाला? वो तो फिर ज्यादा हो जाता है, समझा कर दो आगे। हाँ, देवनारायण जी की फड़ बेटा लिखो। राज्य की राज्य की सबसे प्राचीन सबसे लंबी सबसे छोटी, ध्यान देना, सबसे छोटी सबसे लंबी वे सर्वाधिक चित्रित फड़ है। इनकी फड़ जो है बेटा वो राज्य की सबसे लंबी सबसे छोटी सबसे चित्रित और सबसे प्राचीन फड़ है। फड़ का वाचन बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपे करते हैं। बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपे करते हैं। इनकी जो फड़ है बेटा, इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? अपने बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे। कौन सी फड़ का बेटा? अपने देवनारायण जी के फड़ का। कौन करते हैं इनकी फड़ का वाचन? अपने बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। हो गया। तो इनकी फड़ राज्य की सबसे प्राचीन सबसे लंबी सबसे छोटी सबसे अधिक चित्रित फड़ है। फड़का वाचन बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़का वाचन करेंगे। आगे 2 सितंबर 1992 को फड़ पर ₹5 का डाक टिकट जारी किया। एकमात्र फड़ जिसके ऊपर डाक टिकट जारी है। हाँ, पहले तो ₹2 का था, फिर बाद में 20 पैसे का था, उसके बाद ₹5 कर दिया। आप तो ध्यान रखना ₹5। इनकी फड़ के ऊपर भी ₹5 का डाक टिकट जारी है, जो 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया। फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इनकी फड़ का जो वाचन होता है बेटा वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? अपने जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र? अपने तत्व वाद्य यंत्र। इनकी फड़ का वाचन अपने जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हो गया क्या बेटा? फिर एक नोट डालना, नोट। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, देवनारायण जी का अभिनय नातू सिंह ने किया। देवनारायण जी का जो अभिनय किया था वो किसने किया था? अपने नाथू सिंह ने। है?
देव नारायण जी के नाम से। राजस्थानी भाषा में अभी एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, उसको हिट कराने का खूब प्रयास किया लेकिन वो हिट नहीं हो पाई थी। उसमें टोटल खर्चा आया था उस मूवी में बनाने में 1 करोड़ कुछ पैसे, और उस मूवी का जो रेवेन्यू आया था वो 90 लाख कुछ आया ही था। उस मूवी में ज़्यादा इनकम नहीं हो पाई थी बेचारे को। अपनी भाषा बनाई थी, मस्त मूवी थी जानूड़ी। ऐसी मूवी आती रहनी चाहिए ताकि हमारी अपनी जो संस्कृति है वो जिंदा रह सके। तकड़ी मूवी थी। अपने को तो पसंद नहीं, अपने तो आमिर खान की आ जाए, सलमान खान की आ जाए, अजय देवगन की आ जाए, उनको देखने के लिए मरते हैं, प्रभास की आ जाए। अपनी कोई मूवी अपने जैसे सामान्य आदमी बना ले तो उसको कौन देखेगा? सामान्य आदमी को मूवी कोई देखना पसंद नहीं करते। फिर ये सिनेमा हॉल वाले, पर्दे वाले, ये भी लॉन्च नहीं करते ना उनको। अपन ही इनको पैसे कमा कर देते हैं, अपनी भाषा की मूवी ये लॉन्च ही नहीं करते, पर्दे भी नहीं देते इतने, क्या इतनी जगह ही नहीं दी थी बेचारी मूवी को। अगले लोक देवता हेडिंग डालो बेटा, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ 1 क्लास अपनी और लगेगी। छोटे छोटे से लोक देवता बच्चे, अब कल्ला जीन, मल्लीनाथ जीन, तल्लीनाथ जीन, ऐसे छोटे छोटे से मामा देव जीन, छोटे छोटे लोक देवता और बचते हैं। हाँ, नीम की पत्तियों का श्रृंगार बंकिया रानी जी के भी करते हैं बेटा, देव नारायण जी के तो हर जगह ही करते हैं, बंकिया रानी माता के भी नीम की पत्तियों का श्रृंगार होता है ना। बाकी के ना, अब ये छोटे छोटे से लोक देवता बच्चे हैं, इनको पढ़ेंगे अपन बाद में। अब तुम्हारी ज्योग्राफी क्लास होगी, 1 क्लास वो लगेगी अपने लोक देवता की। कल 1 क्लास में और करवा दूंगा मैं लोक देवता, कल खत्म करेंगे लोक देवता।